फ्रेंड्स, तो देखिए कल हम आ रहे थे देहरादून टू हल्द्वानी, और हल्द्वानी मेरा मायका भी है और ससुराल भी है, और अभी मैं अपने मायके में हूँ। देखिए यहाँ कितने अच्छे प्लांट है, देखिए नींबू का, और कितने सुंदर नींबू लगे हुए हैं इसमें। देखिए छोटा सा ही प्लांट है और नींबू कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये देखिए फूल, और ये सारी गार्डनिंग करते हैं मेरे पापा। ये देखिए कितने सुंदर फूल हैं, इसके लिए कोई माली नहीं लगा हुआ है, ये सारी गार्डनिंग। ये देखिए रोज, और ये देखिए राशि भी आ गई है इधर। हेलो गाइस, और सुबह सुबह का वक्त है, ये देखिए यहाँ पर इतनी अच्छी धूप निकलती है। एक दिन मैं आपको आपने बता दिया घर का भी पूरा व्यू दिखाऊंगी। और देखिए इधर प्लांट देखिए ये देखिए कितना सुंदर प्लांट है, पिंक रोज, रेड रोज, और ये मिनी रोज़। और ये देखिए इधर खेत है काफी, देखिए आपको चारों तरफ खेत ही खेत नजर आएंगे। दूर मकान है ये देखिए, और ये देखिए कितना सुंदर फ्लावर है, और इसका कलर कितना सुंदर है। ये देखिए छोटे छोटे से, और कुछ इधर भी लगे। ये देखिए सामने सूरज आता है, और इधर पे ये देखिए हमारे प्लांट, और सबसे अच्छा प्लांट है ये नींबू का, इसको लगे हुए सिर्फ एक साल हुआ होगा, और इसने ये दूसरी बार फल देना शुरू कर दिया, और इसमें इतना रसीला फल होता है। ये देखिए नींबू, इसका जो लेयर ये छिलका ये बहुत पतला है, और जो अंदर से रस निकलता है वो काफ़ी निकलता है। देखिए ये देखिए, और यही मैंने एक देहरादून में भी लगाया है जिसमें बहुत सारे फ्लावर आ रहे हैं। तो हम मज़ा लेते हैं अब सुबह सुबह के नाश्ते का। और देखिए नाश्ते में भाई ने बनाया है ब्रेड पकौड़ा, बहुत टेस्टी बनाता है, और उसके साथ चाय। तो आप बने रहिएगा व्लॉग में, मैं आपसे फिर मिलूंगी। बहुत तेज धूप हो रही है, तब तक के लिए। तो गाइस मतलब हम अपना नाश्ता कर रही है बैठ के, और देख रही है इन हरियालियों को जो कितनी प्यारी लगती है ना, और इस नींबू को कितने सुंदर सुंदर फूल है। तो अब हम अपना नाश्ता करते हैं, और तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी पहाड़ी ज्वेलरी का लुक दिखाती हूँ। ये है मेरा मंगलसूत्र, हम लोगों के यहाँ ये पहना जाता है, इसमें ये काले दाने ज़रूर होते हैं। ये देखिए ये रहा, ये शादी में जो दूल्हे होते हैं वर पक्ष की ओर से वो पहनाते हैं दुल्हन को। और देखिए इस प्रकार के ये झुमके चलते हैं हमारे वहाँ जो गोल्ड के रहते हैं। और ये देखिए पहाड़ी नथ भी होती है कुमाऊनी और गढ़वाली दो डिज़ाइन की, ये भी बहुत सुंदर लगती है, और इससे भी भारी भारी हुआ करती थी हमारी नानी लोग के टाइम में, एक बड़ा सा रिंग हुआ करता था एकदम इतना बड़ा सा। और एक ये होता है, ये गले के लिए होता है, इसे कहते हैं ग्लोबंद। ये देखिए इसके भी अब बहुत सारे डिज़ाइन चल गए हैं, या तो ये ब्लैक कलर के वेलवेट कपड़े में इसको बांधा जाता है, या रेड मरून, और ये भी बहुत सुंदर लगता है। देखिए मांग टिक्का रिंग, और ये जो होता है ये मेन होता है हमारे वहाँ का पिछौड़ा, ये है कुमाऊनी पिछौड़ा।
देखेंगे ये हम लोगों के वहीं चलता है और इससे बहुत सुंदर इसका लुक आता है जब हम इसे वेयर करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना ये पहाड़ी लुक। तो देखिए फ्रेंड्स ये रहा मेरा पहाड़ी लुक। ये देखिए रंगीले पिछौड़े के साथ नथ ग्लोवन हमारे वहाँ का मंगलसूत्र मांग टिक्का सिंदूर ये है पूरा हमारा जो दुल्हन का गेटअप होता है ये सेम वही है। और शादी में दुल्हन के लिए ये बहुत जरूरी होता है रंगीला। तो आपको मेरा ये पहाड़ी लुक वाला व्लॉग कैसा लगा है? अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए